नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता 17 फरवरी से 21 फरवरी तक चली। देश के 25 प्रदेशों से आए प्रतिभागियों ने इसमें शिरकत की, साथ ही 3 नेशनल टेरिटरी के खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। शानदार आयोजन यहाँ पर देखने को मिला, शानदार यहाँ पर खेल देखने को मिला। आइए देखते हैं इस पूरी प्रतियोगिता के संपादित अंश। दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम, शानदार आगाज, जगमगाती रोशनियों के बीच राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत। शानदार तरीके से यहां पर इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ दर्शक दीर्घा में तमाम प्रतिभागी और दर्शक बैठे हुए हैं, इस बात का लुत्फ उठाने के लिए कि कुछ ही देर में आगाज हो जाएगा और कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे इस शानदार रिंग के अंदर वो दो खिलाड़ी जो डेमो फाइट की शुरुआत करेंगे प्रो फाइटिंग में। तो लीजिए शानदार आगाज, जिस पल का इंतजार था वो पल अब कुछ ही देर में आ चुका है। आपको बता दें कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लाल रंग की जर्सी में जिस खिलाड़ी को देख रहे हैं उसका नाम है अरुण चरक, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं और रेड कॉर्नर से फाइट करते नजर आएंगे। रेड कॉर्नर के लिए इस चुनौती को देंगे और उनकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए दूसरे कॉर्नर पर यानी कि ब्लू कॉर्नर पर आएंगे हरियाणा के खिलाड़ी सूरज। फिलहाल आप देख सकते हैं महिला एक बेल्ट को लेकर आगे बढ़ी है जो कि किक बॉक्सिंग को लेकर है, और ये बेल्ट उसी खिलाड़ी को मिलेगी जो शानदार तरीके से और शानदार प्रतियोगिता का मुजाहिरा पेश करते हुए, शानदार तकनीक का मुजाहिरा पेश करते हुए इस पूरी प्रतियोगिता को, इस चैंपियनशिप को जीतेगा। देखना ये होगा। फिलहाल तो शुरुआत है डेमो फाइट की शुरुआत यहाँ पर, और लीजिए उस खिलाड़ी की बात करते हैं हरियाणा से अरुण चरक को चुनौती देने के लिए। अब सूरज भी आ चुके हैं और उनके कोच उनको समझाते हुए कि किस तरह से उनकी फाइट शुरू होनी है, किस तरह से सामने वाले प्रतिभागी का ध्यान रखना है। तो अब दोनों ही खिलाड़ी यहां पर रिंग के अंदर मौजूद हैं। और सेंटर रेफरी संजय यादव यहां पर मौजूद हैं दोनों खिलाड़ियों को मिलाते हुए, नियमों को समझाते हुए, साथ ही ये बताते हुए कि आप मुस्तैदी के साथ इस किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो लीजिए रिंग पूरी तरह से सजा हुआ है दोनों खिलाड़ियों से, और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में युवराज छत्रपति संभाजी राजे भोसले जी पधार चुके हैं जो कि शिवाजी के 13वें वंशज हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सीए तंबोला जो कि प्रेसिडेंट वॉको इंडिया के हैं यहाँ पर रिंग के अंदर मौजूद हैं। और ये देखिए दोनों खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रोत्साहित करते हुए, दोनों खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए इस खेल की शुरुआत होने जा रही है। मुख्य अतिथि युवराज छत्रपति संभाजी राजे भोसले ने इस खेल की शुरुआत की। साथ ही अब मुख्य अतिथि और प्रेसिडेंट वॉको इंडिया सीए तांबोली नीचे उतरते हुए, और लीजिए इसी के साथ शुरुआत हो गई इस पहले मुकाबले की। डेमो फाइट आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अरुण चरक जो कि जम्मू कश्मीर की तरफ से फाइट कर रहे हैं रेड कॉर्नर पर हैं। तो डीडी स्पोर्ट्स पर इस वक्त आप पहली राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप की शानदार शुरुआत यहां पर देख रहे हैं। जिस तरह से ये फाइट लड़ी जा रही है, शुरुआत हो चुकी है दोनों खिलाड़ियों की। पहली राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत यहां पर आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर एक्सक्लूसिव, तो इसका आप आनंद उठाइए इसके रोमांच का। और ये लीजिए
पंचों के साथ शुरुआत हुई है। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से पंचों को परखते हुए कि आखिर किस में कितना है दम। सूरज ने शुरुआत करी है, शानदार शुरुआत, और यहां पर एक जानदार किक मारी है सूरज ने अरुण चरक को, और अरुण चरक यहां पर जमीन पे गिरे हैं, और ये पहली बार जमीन पर गिरे हैं। अगर इस तरह से तीन बार होता है तो वो नॉकडाउन कहलाता है, लेकिन फिलहाल यहां पर शुरुआत है, शानदार तरीके से शुरुआत की है सूरज ने, जो कि हरियाणा की तरफ से है, ब्लू कॉर्नर से खेल रहे हैं यहां पर। और ये देखिए पंच किक, और ये पंच किक से एक दूसरे को परखते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सूरज यहां पर गिरे हैं जोरदार तरीके से, मुकाबला बराबरी का लगभग चल रहा है। पहले राउंड की ये शुरुआत है जहां पर सूरज हावी होने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर सूरज यहां पर एक बार फिर गिरे हैं। आपको बता दें कि यहां पर अरुण चरक ने एक बार फिर वापसी करने की कोशिश की है, हालांकि सूरज लगातार मुकाबला कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी। अभी एक नहीं कहा जा सकता कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, लेकिन फिलहाल सूरज यहां पर दमदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन अरुण जो है वो पूरी तरह से मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। और एक और केक शानदार तरीके से जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी को, और यहां पर कोशिशें लगातार जारी हैं एक दूसरे को पराजित करने के लिए। आप देख सकते हैं कितना शानदार मुकाबला, कितनी शानदार शुरुआत यहां पर हुई है, और अब यहां पर देखिए दोनों कोच एक दूसरे को समझा रहे हैं अपने अपने खिलाड़ियों को। विश्राम का वक्त हुआ है, पहले राउंड की समाप्ति। यहां पर लाल कपड़ा जो फेंका जाता है, इसका मतलब होता है कि पहला राउंड जो है समाप्त हो चुका है। पहले राउंड की समाप्ति हुई, यहां पर एक मिनट का विश्राम होगा। दो दो मिनट के आपको बता दें कि तीन राउंड यहां पर खेले जाएंगे, और इस तीन राउंड में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तीसरे में पता लगेगा, या दूसरे में ही इसका फैसला होना है। ये खिलाड़ी की जो अपनी मुस्तैदी होती है, अपनी जो अपना जो स्टेमिना होता है उस पर नजर आता है, लेकिन फिलहाल दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था करते हुए फिलहाल विश्राम की अवस्था में है दोनों, और दोनों ही खिलाड़ियों के कोच उनको समझा रहे हैं कि आखिर सामने वाले प्रतिद्वंदी को किस तरह से मात देनी है और क्या सामने वाले की कमजोरी है। थाम कर बैठिए डीडी स्पोर्ट्स पर, एक्सक्लूसिव आप इस वक्त देख रहे हैं पहली राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप को, जो इस वक्त आपको नजर आ रही है। दो खिलाड़ी अरुण चरक जो कि जम्मू कश्मीर की तरफ से यहां पर रिंग में उतरे हैं रेड कॉर्नर से, और दूसरी तरफ है सूरज हरियाणा की तरफ से ब्लू कॉर्नर से। और ये लीजिए दूसरे राउंड की शुरुआत हो गई है। शानदार आगाज, और एक बार फिर दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर हावी होते हुए, सूरज हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, किक से शुरुआत हुई है इसकी। अरुण हालांकि वापसी की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल मुकाबला बराबरी का ही कहा जाएगा। अरुण का ये पंच शानदार पंच, और सूरज जमीन पर, अरुण ने ये शानदार पंच जड़ा है। रेफरी अब बता रहे हैं, यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता देंगे संजय यादव सेंटर रेफरी के तौर पर यहां पर मौजूद है फाइट करने के लिए। रेफरी उनको समझाते हुए नजर आए, इससे पहले जब सूरज जमीन पर गिरे थे सूरज लड़ने के लिए सक्षम है, पूरी तरह से तैयार है, इस बात की तस्दीक यहां पर रेफरी संजय यादव ने की। और सूरज एक बार फिर से तैयार, अरुण और सूरज की ये लगातार फाइट जारी है। हावी होते अरुण एक बार फिर सूरज की तरफ बढ़ते हुए, और सूरज को पीछे धकेलते हुए एक बार फिर जो है सूरज यहां पर पीछे हटे और लड़खड़ाए।
और अरुण आगे बढ़ते नजर आया और सूरज एक बार फिर से यहां पर धराशायी होते हुए। रेफरी एक बार फिर सूरज से पूछताछ कर रहे हैं कि क्या उन्हें आगे भी लड़ना है। सूरज ने हाथ उठाकर एक बार फिर इशारा किया कि हाँ वो लड़ना चाहते हैं और ये मुकाबला लगातार जारी है दूसरे राउंड का। सूरज के कोच एक बार फिर यहां पर समझा रहे हैं, सूरज वापसी की कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन यहां पर अरुण पूरी तरह से सूरज के ऊपर हावी होते नजर आ रहे हैं। अरुण हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, पंचों की बौछार शानदार तरीके से जमीन पर, सूरज अरुण की जीत यहां पर। अब औपचारिक ऐलान होना यहां पर सिर्फ बाकी है। नॉकआउट के दौर में यहां पर बाहर का रास्ता सूरज को दिखाया है अरुण ने। जम्मू कश्मीर के ये बेहतरीन खिलाड़ी है जो पंच के जरिए और किक की जो इनकी दमदार किक है उसके जरिए इन्होंने सूरज पर पूरी तरह से बढ़त बना ली है। सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है कि अब अरुण चरक जो है यहां पर जीतेंगे और कुछ ही देर में रेफरी संजय यादव हाथ उठाकर इस बात का ऐलान कर देंगे। और ये लीजिए इसी के साथ झूमते हुए यहां पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए अरुण के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। और इसी के साथ अब रेफरी ने दोनों खिलाड़ियों को अपने पास बुलाया है, अरुण का हाथ उठाकर उन्हें विजयी घोषित किया। शानदार डेमो फाइट यहां पर देखने को मिली। आपको बता दें डीडी स्पोर्ट्स पर एक्सक्लूसिव आप लुत्फ उठा रहे हैं राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप का। रेड ड्रेस में हमारे साथ जीते हुए विजेता जिनको हम कह सकते हैं कि फिलहाल पहली जो प्रो फाइट है उन्होंने जीती है, कैसा रहा और कहां पर उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को परखा यह हम जानना चाहेंगे। आपने जिस तरह की शुरुआत की, बहुत शानदार शुरुआत तो नहीं कहेंगे लेकिन क्या परखने की कोशिश की क्योंकि पहले राउंड में थोड़ा सा आप कमज़ोर पड़ते नजर आए। सर मैंने उसे देखा पहले जो राउंड था मैंने उसे जज करने की कोशिश की कि क्या खेल रहा ओपोनेंट मेरा। उसके बाद मैंने उसे काउंटर खेलना स्टार्ट किया अपना अटैकिंग गेम, फिर उसके सेकंड राउंड में की क्योंकि वो हमेशा देख रहा था मेरा अटैक कब हो और ज़रा राउंड हाउस खेलने के चक्कर में था, उसी का मैंने काउंटर खेलना स्टार्ट किया, अटैकिंग रखी गेम पहले। चलिए हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आप और अच्छा करें लेकिन इसके लिए किस तरह की तैयारियां आपने की हैं और किसको श्रेय देना चाहेंगे जिस तरह की शुरुआत यहां पर आपने की। सर आपको पता है कि J&K स्टेट जो है मिलिटेंट से बहुत है, वहां पे प्रैक्टिस करने का मौका तो मिलता नहीं है, फिर भी हमारे सेक्टरी साहब हैं जैन सर, इनकी बदौलत हमारे जो बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारा क्रेडिट मैं इनको देता हूँ कि इनकी वजह से आज जो है J&K की बॉक्सिंग यहाँ पे टीम आ रही है, सारा क्रेडिट हमारे सेक्टरी साहब को जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष देशमुख जोश जगाते हुए और इसके साथ ही अगला मुकाबला डेमो फाइट का शुरू होने जा रहा है यहां पर। तीन बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर। पिछहत्तर किलो से ऊपर का यह मुकाबला है। रेड कॉर्नर और ब्लू कॉर्नर यानी कि लाल कोना और नीला कोना, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में मौजूद रहते हैं। जो रोमांच जिस बात के लिए यहां पर बैठे सभी प्रतियोगी बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे थे वो घड़ी खत्म हो गई और इसके साथ ही शुरू हुआ पहले प्रो फाइट और अब शुरू हुई है डेमो फाइट यहां पर विकास दाहिया और जमशेद खान के बीच। बस कुछ ही देर में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे कहेंगे।
और शुरुआत इस प्रतियोगिता की डेमो फाइट की विकास दाहिया जमशेद खान दोनों एक दूसरे से और ये किक का इस्तेमाल करते दोनों खिलाड़ी और ये शानदार तरीके से बचाव की मुद्रा में और इसके साथ ही हमला करने की मुद्रा में भी लोअर किक और इसके साथ पंचेस का सही इस्तेमाल अगर खिलाड़ी करता है तो निश्चित रूप से हाइट मायने नहीं रखती और ये शानदार बचाव यहां पर और ये यहां पर बैक किक मारने की कोशिश शानदार पंच मारने की कोशिश यहां पर विकास की परखते हुए दोनों एक दूसरे की ताकत को और इसके साथ ही पंचेस और किक्स का सही इस्तेमाल कब करना है स्टेमिना किस में कितना है इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है और दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को परखते जा रहे हैं साथ ही साथ हमला भी और ये देख सकते हैं आप किस तरह से किक और पंचेस यहां पर दोनों खिलाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा दोनों खिलाड़ियों को जरा सी गलती उन पर भारी पड़ सकती है जरा सी गलती से वो बाहर हो सकते हैं एक तरफ बचाव जमशेद खान ने बचाव किया इसके साथ ही प्रहार भी किया और शेरों की तरह एक दूसरे पर निगाह रखते हुए हर हरकत पर नजर रखते हुए एक दूसरे को ललकारते हुए दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के सामने हैं जमशेद खान और विकास दाहिया रेफरी हर गतिविधि पर नजर रखे और ये पहले राउंड समाप्त और ये दूसरे राउंड की शुरुआत यहां पर संजय कुमार डॉक्टर संजय कुमार यहां पर हर हरकत पर नजर रखे हुए हर तकनीक पर हर पंच पर हर किक पर नजर बनाए हुए हैं अपनी अगर खिलाड़ी कोई गलती करता है तो उसको फाउल देने से भी नहीं चुकेंगे और यहां पर बेहतर ये बचने की तकनीकी एक दूसरे से कभी कभी इतना थक जाते हैं खिलाड़ी के एक दूसरे के ऊपर ही गिर पड़ते हैं ये यहां पर चेहरे पर एक प्रहार शानदार किक अगला बचाव विकास दाहिया का और ये एक बार और जमशेद खान ने किक मारे विकास का सफल प्रयास यहां पर और इसके साथ ही पवेलियन में बैठी पब्लिक लगातार हौसला बढ़ाते हुए ये शानदार बचाव और सिर्फ बचाव की मुद्रा में और इसके बाद अब अटैकिंग मुद्रा में विकास और टाइम थोड़ी देर के लिए रुकता हुआ उनके पैरों का जो पैड है वो उतर गया था जमशेद खान का उसको सही करके तब तक टाइम को रोका गया उसके बाद फिर से शुरुआत इस फाइट की हर पंच हर किक हर बाउट तोल के चीयर अप करते लोग और यहां पर देखिए विकास जमशेद खान यहां पर जमशेद खान का शानदार प्रयास जमशेद लगातार आंखों में आंखें डालकर विकास को परखने की कोशिश कर रहे हैं और विकास कहीं ना कहीं आगे पीछे हटते हुए यहां पर अपनी चतुराई का परिचय देते और यहां पर ये फिर राउंड चुकी ओवर हो गया है बराबरी पर बने हुए हैं दोनों खिलाड़ी अभी भी
ये कहना मुश्किल कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, लेकिन कहते हैं कि आखिरी राउंड जो जीतेगा वही यहां पर जीतेगा। तो अब तैयार एक बार फिर से दोनों खिलाड़ी, तीसरे राउंड की शुरुआत। एक बार फिर से जमशेद आगे बढ़ते हुए, लेकिन जहां तक विकास की बात की जाए, विकास के प्रयास लगातार आगे बढ़ाते हुए ने, हालांकि दोनों खिलाड़ी तीन तीन अंक की बराबरी पर है, लेकिन किसकी तकनीक, और ये बहुत शानदार तरीके से यहां पर एक बार गिर चुके हैं विकास। शुरुआत एक बार फिर से, और अब चूंकि तीसरा राउंड, यहां पर देखना होगा कि अपनी ऊर्जा को किसने बचाकर रखा, और जो जिसका स्टेमिना, जिसकी ऊर्जा क्षमता ज्यादा रहेगी और जिसकी तकनीकी जिस पर भारी पड़ेगी, वही यहां विनर होगा। लेकिन अब देखना यह है, दोनों खिलाड़ी लगातार एक दूसरे को परखते हुए आगे बढ़ते हुए यहां पर चकमा देते हुए विकास कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि देखना होगा कि, और यह शानदार, और यहां पर पंचेस लगातार, और यहां पर एक बार गिरे हैं जमशेद खान। संजय कुमार दोनों खिलाड़ियों को अलग करते हुए, और उसके बाद फिर से एक बार शुरुआत, और ये लोअर किक का इस्तेमाल। पूरी तरह से चकाने की कोशिश करते हुए जमशेद को, और ये टाइम जज अपना काम करते हुए यहां पर आप देख सकते हैं किसको कितने अंक दिए जाने हैं, किसकी तकनीक बेहतर है, उस आधार पर अंकों को सुनिश्चित करते हुए तीसरे राउंड की समाप्ति हो चुके हैं। दूसरे फाइट की विजेता की घोषणा, किसने जीती है, और जमशेद खान यहां पर विजेता घोषित हुए हैं हावी होते हुए। हालांकि दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी फाइट की, यहां पर जमशेद खान अपनी तकनीकी और स्टैमिना, यानी जो ऊर्जा उन्होंने बचाकर रखी थी, उसके जरिए यहां पर उन्होंने जीत हासिल की है डेमो फाइट में। और जमशेद इस वक्त विजेता यहां पर हमारे साथ मौजूद है डीडी स्पोर्ट्स पर। जमशेद, कैसे देखते हैं आप इस मुकाबले को, कितनी कड़ी प्रतिद्वंदिता आपको मिली? मुझे किकबॉक्सिंग पहली बार, मतलब हमारे हरदिया जी ने यहाँ पे इतना बड़ा मैच करवाया है, इससे पहले इंडिया में मैंने कभी नहीं देखा किकबॉक्सिंग इतना बड़ा मैच। खेलने के लिए मैं एक महीने पहले से एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा, और बहुत प्रैक्टिस भी करी इसके लिए, आज खेल रहा हूँ। किसको श्रेय देंगे? किसको श्रेय देंगे इस बात का? इस बात का श्रेय किसको दूंगा? कोच को देंगे जी, मैं अपने कोच के देना चाहता हूँ दया सर को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के। मुझे खेलने के लिए कहा था, यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था, वरना शायद मैं नहीं कर पाता अगर वो नहीं कहता। चलिए, ऑल द बेस्ट, आगे भी आपका मुकाबला। थैंक यू सर। आप इस वक्त म्यूचुअल फॉर्म देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्रतिभागी हैं अपने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए, और हौसला अफजाई करते हुए। तो लो किक का ये फाइनल है, -65 kg। कुछ ही देर में दोनों महिला खिलाड़ी यहां पर पहुंच जाएंगी, और ये मुकाबला शुरू होगा। तो महिला
हमारा खिलाड़ी फिलहाल रेड कॉर्नर से दीपिका दिल्ली की तरफ से फाइट करेंगी फाइनल राउंड में, जो कि पहुंची है शानदार तरीके से। और दीपिका के लिए ये कहा जाता है कि काफी चतुराई से सामने वाले खिलाड़ी को परखती है, आसानी से हार मानती नहीं है, आखिर तक ये लड़ती है। सेमीफाइनल में भी जिस तरह से इन्होंने फाइट की, एक वक्त ये लग रहा था कि दीपिका शायद वापसी नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरह से शानदार फाइट की, कमबैक किया, वो निश्चित रूप से एक खिलाड़ी के लिए मुश्किल होता है। और यहाँ पर कुसुम हरियाणा से जो चुनौती देंगी दिल्ली की दीपिका को, उनके साथ उनके कोच उनको वहां तक पहुंचाते हुए जो तकनीक में माहिर होगा, जिसका स्टैमिना बरकरार होगा, वही इस खेल को हासिल कर पाएगा। फिलहाल दोनों ही जुझारू खिलाड़ी हैं और सेमीफाइनल में जिस तरह की फाइट इन दोनों खिलाड़ियों ने की है, निश्चित रूप से कुसुम पूरी तरह से हावी होने की कोशिश करती हैं शुरुआत से ही, और दीपिका आखिर तक हिम्मत ना हारने वाली खिलाड़ी हैं, और यही इस खेल की खूबसूरती है। तैयार है रिंग में दोनों खिलाड़ी फाइनल के लिए, हर किसी की निगाह इस वक्त रिंग पर टिकी हुई है। कुछ ही देर में यह मुकाबला शुरू हो जाएगा दोनों खिलाड़ियों के बीच। और यहाँ पर सतपाल जी पहुंच चुके हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड इनको मिल चुका है, सुशील जैसे महान खिलाड़ियों को कुश्ती में इन्होंने तैयार किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रिंग में उतरकर मंच की शोभा को बढ़ाते हुए सतपाल जी यहां पर, जो कि महिला खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए और इस प्रो फाइट की शुरुआत करवाते हुए। लोकिक का यह मुकाबला है जिसमें घुटने से ऊपर प्रहार करना होता है खिलाड़ियों को, अगर आप घुटनों से नीचे प्रहार करते हैं तो उसका कोई अंक नहीं जोड़ा जाता। तो रिंग पूरी तरह से तैयार, खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार। वाको इंडिया प्रो किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप लोकिक -65 महिला वर्ग का आज का ये मुकाबला तालकोटरा स्टेडियम 2016। और यहाँ पर यह फाइट शुरू हो चुकी है दोनों महिला खिलाड़ियों के बीच में। आपको बता दें दिल्ली की तरफ से दीपिका फाइट कर रही हो और हरियाणा की तरफ से कुसुम, और शानदार मुकाबला, शानदार तरीके से शुरुआत हुआ किक और पंच के साथ। और यही खूबसूरती है इसकी, इस खेल के रोमांच की। और दीपिका हावी होते हुए कुसुम के ऊपर मौका नहीं देना चाहती कुसुम को, और किक का इस्तेमाल किया यहाँ पर कुसुम ने, बचने की कोशिश कुसुम की दीपिका के प्रहारों से। हालांकि दीपिका कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, लगातार पंचेस का इस्तेमाल कर रही हैं, मौका नहीं देना चाहती किसी भी तरह से किक के लिए, और एक के बाद एक पंच लगातार चेहरे पर, बचाव की मुद्रा में है यहां पर कुसुम। कोई मौका नहीं देना चाहती दीपिका यहां पर कुसुम को अपने ऊपर हावी होने के लिए, शुरुआत से ही हावी होने की कोशिश करती। हालांकि कुसुम डिफेंसिव मोड पर थी, यहां पर रेफरी पूछते हुए, रेफरी करण पूछते हुए कि आप फाइट के लिए तैयार हैं। दीपिका एक बार फिर से तैयार, पलट करके एक मारने की कोशिश की दीपिका ने, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सकी। हालांकि पंचेस का इस्तेमाल कर रही हैं दीपिका, कोशिश करते हुए फाइट में वापस आए, लेकिन यहां पर दीपिका पूरी तरह से हावी है कुसुम के ऊपर। कुसुम की यहां पर कोशिशें रही कि वो वापस करें फाइट में, लेकिन दीपिका के पंचेस से जितनी कोशिश करते हैं दीपिका उनके ऊपर उतना ही हावी होते नजर आते हैं। दीपिका शानदार अब तक खेल का प्रदर्शन कर रही हैं,
लो किक का मुकाबला है यहाँ पर आपको, और कुसुम हावी होते हुए दीपिका के ऊपर, दीपिका फिर वापसी करते हुए और सही किक का इस्तेमाल, और फिर एक बार दीपिका वापस, और यहाँ पर सही जगह पंच कुसुम के लगा है, दीपिका के जरिए पंच, हरियाणा की खिलाड़ी है कुसुम, और रेफरी ने पूछा यहां पर, दिल्ली ने जीत लिया पहले ही राउंड में नॉकआउट, यही शानदार खेल। अब तक दो ही मुकाबले ऐसे हुए हैं जहां पर जसबीर ने मुकाबला जीता था पहले राउंड में, और ये दूसरा मुकाबला है महिलाओं का जिसमें दीपिका ने पहले ही राउंड में कुसुम को धूल चटा दिया। पांच राउंड का ये मुकाबला था, आपको बता दें दो दो मिनट का, पांच राउंड होने थे एक मिनट के अंतराल के साथ, लेकिन पहले ही मुकाबले में साफ कर दिया यहां पर अपने प्रतिद्वंदी को, बाहर का रास्ता दिखाया, और ये फाइनल मुकाबला दिल्ली के नाम रेड कॉर्नर से दीपिका इस लो किक के मुकाबले में उन्होंने जीत हासिल की है नॉकआउट के, नॉकआउट में ये मुकाबला जीता है दीपिका ने। शानदार खेल, हम किसी से कम नहीं, दीपिका के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है, जीत के लिए अपने कोच का नाम यहां पर रोशन करते हैं। तो प्रोफाइट के शानदार मुकाबले को आपने देखा, लो किक का ये मुकाबला था, दीपिका जो कि दिल्ली से रेड कॉर्नर से लड़ी, शानदार फाइट में यहाँ पे नॉकआउट किया सीधा कुसुम को। दीपिका से बात करते हैं किस तरह की उनकी तैयारी रही, दीपिका जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगी सबसे पहले इस खुशी को लेकर। आप मैं इस खुशी को अपना सारा सपोर्ट अपने सर को दूंगी, अपनी दी को दूंगी और अपनी फैमिली को जो हम लोग हर चीज़ में सपोर्ट करती है। बिल्कुल, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आगे जो आप देख रही हैं कहाँ तक जाने की आपकी तैयारी है और किस तरह की तैयारी हैं आगे बढ़ने के लिए आप। मैं चाहूँगी मैं एशियन तक जाऊँ और उसमें गोल्ड मेडल हासिल करूँ, अपने इंडिया का नाम रोशन करूँ, अपने सर का नाम रोशन करूँ, अपनी फैमिली का नाम रोशन करूँ। क्या आपको ऐसा लग रहा था कि कुसुम को आप पहले ही दौर में नॉकआउट कर देंगे? मैं सोच के आई थी कि मैं फर्स्ट राउंड नॉकआउट का ही खेलना चाहती हूँ और मेरे सर हैं तो शायद मैं नॉकआउट मार भी सकती हूँ, कि अगर मेरे सर का सपोर्ट है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो ये थी दीपिका, सीधे नॉकआउट में इन्होंने कुसुम को बाहर का रास्ता दिखाया, कुसुम हरियाणा से खेली ब्लू कॉर्नर की तरफ से, और यहाँ पर रेड कॉर्नर से दीपिका ने ये फाइट जीती है। तो देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स। यहाँ पर दीपिका इस बेल्ट को हासिल करते हुए वाको इंडिया प्रो के इस मुकाबले में दीपिका ने जीत हासिल की है शानदार तरीके से, पहले ही राउंड में कुसुम को बाहर का रास्ता दिखाया, हरियाणा से ब्लू कॉर्नर से खेल रहे थे और सौभाग्य से इस बेल्ट को प्राप्त करते हुए एक अद्भुत लम्हा होता है, हर कोई खिलाड़ी इस बात के लिए इंतजार करता है कब वो खड़ी आएगी अपने कोच से मिलाते हुए। यहाँ पर सत्पाल जी से दीपिका को सी एक बोली जो कि प्रेसिडेंट ने वह पहुँच गया, साथ ही दीपिका के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है, इसी क्षण का इंतजार करते हैं, इसी लम्हे का इंतजार करते हैं। और इस वक्त सतपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम खिलाड़ी इन्होंने दिए हैं, सुशील कुमार को अगर आप जानते होंगे तो इन्होंने ही उनको सिखाया है और कहां से कहां तक पहुंचा है, ऐसे ही तमाम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी इन्होंने दिए हैं, इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, साथ ही इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। तो जानते हैं कि किक बॉक्सिंग को लेकर क्या कहना है इनका। सतपाल जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं डी डी स्पोर्ट्स में आपका। जी बिल्कुल, मैं बधाई देता हूं, ये जो प्रो किक बॉक्सिंग स्टार्ट किया है, और किक बॉक्सिंग से तो मैं इसको शुरू करने वाला मैं ही हूं, इसको राष्ट्रीय स्कूल खेलों में मैंने ही शुरू किया था, क्योंकि मुझे इस खेल के अंदर वो सब चीज़ें दिखी जो कि भारत के खिलाड़ी इसमें बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मैं आज मुझे ये बाउट देख के, दीपिका ने ये जो बाउट दिखाई है उसको देख के तो ऐसा लगा कि वो सपना आज पूरा हो गया है, क्योंकि ये नेशनल स्कूल गेम में इसको नहीं था, इससे इसको बहुत ज़्यादा इसको पब्लिसिटी मिलेगी, नीचे से जो बच्चों को ऊपर आने का मौका मिला तो वो राष्ट्रीय स्कूल खेलों से मिला, तो वो शुरुआत जो मैंने करी तो आज मुझे खुशी है कि मेरा वो डिसीजन बहुत अच्छा था और आज मैं प्रो किक बॉक्सिंग जो आज ये इन्होंने शुरू किया है ये एक और अच्छी है, सोने पर सुहागा है, ये एक ऐसा शुरुआत है कि इससे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों में मुकाबला करने की जीतने की भावना ज़्यादा पनपेगी
और मैं भारतीय किक बॉक्सिंग और दिल्ली किक बॉक्सिंग एसोसिएशन और फेडरेशन को बधाई देता हूँ कि आपने जो ये प्रयास किया है बहुत अच्छा है। और इससे ये लगता है कि क्योंकि मेरी क्या सोच थी कि हम सब गेम में, अब कुश्ती में कितने बच्चे जा सकते हैं, कुश्ती में आप 7 पहलवान खिला सकते हैं, 7 पुरुष 7 महिला, तो जितने गेम ज़्यादा होंगे बच्चे उतने फील्ड पर ज़्यादा होंगे और उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। और आज वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा ये जो डिसीजन था, और ख़ासकर मैं स्कूल गेम फेडरेशन को बधाई देता हूँ कि सबने मेरे को सहयोग दिया और इसको लागू किया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के बच्चे हैं उनको कहाँ पर देखते हैं? नहीं, अब तो मैं कहता हूँ कि ये अभी दीपिका है तो मैं ये मानता हूँ कि एशिया में गोल्ड मेडल लेके आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इसने आज प्रदर्शन किया है और उसकी जो फिटनेस है और उसकी जो टेक्निक है आउटस्टैंडिंग, उसका कोई भी मुकाबला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और सभी श्रोताओं को मैं दूरदर्शन स्पोर्ट्स के जितने भी हमारे, आप सब देश के लिए ऐसे ही प्यार देते रहो डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो सतपाल जी हमारे साथ जुड़े रहे। आपको बता दें कि जिस तरह से ये किकबॉक्सिंग की प्रतियोगिता है उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। हर किसी का इंतजार इस फाइनल मुकाबले का। दोनों खिलाड़ी इस वक्त रिंग के अंदर मौजूद हैं और कुछ ही देर में यह मुकाबला शुरू हो जा रहा है। हर किसी की नजर है इस मुकाबले पर और ये मुकाबले के लिए दोनों खिलाड़ी तैयार हैं एक दूसरे से गले मिलते हुए। और यही खासियत है, अगर खेल के मैदान में हों या आप रिंग के अंदर उतरे हों तो दोनों खिलाड़ी प्रतिद्वंदी होते हैं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसी को कहते हैं। गले लगकर इस मुकाबले की शुरुआत। और ये पहले राउंड का मुकाबला शुरू हो चुका है। यहां पर शमशेर पंजाब की तरफ से रेड कॉर्नर से खेल रहे हैं इस वक्त और ब्लू कॉर्नर से जसवीर सिंह यहां पर खेल रहे हैं। शुरुआती मुकाबले में किक का इस्तेमाल किया है जसवीर ने और शमशेर हालांकि कितनी चुनौती दे पाते हैं ये देखना होगा, लेकिन तैयार हैं जसवीर का मुकाबला करने के लिए। 3 बार राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके हैं जसवीर, कितना टिकते हैं शमशेर ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर जसवीर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि शायद वो इस मुकाबले में शमशेर को पराजित करेंगे, लेकिन देखना यह है कि कितने राउंड तक ये मुकाबला चलना है। फिलहाल शमशेर के पहुँच से जसवीर दूर और सही किक का और पंचेस का इस्तेमाल करते जसवीर तकनीकी के लिहाज से और अनुभव के लिहाज से हालांकि जसवीर काफी परिपक्व नजर आते हैं यहां पर। और जिस तरह की आप बॉडी लैंग्वेज ही देख सकते हैं जसवीर की, छकाने की कोशिश शमशेर को, पहले किक यहां पर का इस्तेमाल किया जसवीर ने। शमशेर लगातार नजर बनाए हुए हैं जसवीर के ऊपर। रेफरी ने दोनों खिलाड़ियों को फिर से मुकाबला शुरू करने के लिए कहा और यहाँ पर एक बार फिर से शुरुआत है किक का इस्तेमाल करते हुए शमशेर, लेकिन यहाँ पर जसवीर और शानदार तरीके से यहाँ पर दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को परखने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके साथ ही शमशेर लगातार निगाह बनाए हुए हैं जसवीर के ऊपर कि जसवीर, वो जानते हैं कि जसवीर के पास जो तकनीकी है और जो अनुभव है वो उनके ऊपर हावी हो सकते हैं शुरुआत में, लेकिन मौका कोई नहीं देना चाहते हैं। जसवीर बचने का प्रयास करते हुए शमशेर उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जसवीर पूरी तरह से छका रहे हैं और ये जसवीर पूरी तरह से कड़ा मुकाबला देते हुए सही पंच एक अंक की बढ़त दिला देगा आपको, लेकिन वो सही जगह पर होनी चाहिए। और ये पहले राउंड की समाप्ति यहां पर दोनों खिलाड़ी के हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे उनके साथी और कोच। पहला राउंड यहां पर देखा जाए तो
कोशिश दोनों खिलाड़ियों की है कि बढ़त बनाई जाए। तो जसवीर अभी यहां पर बढ़त बनाए हैं। अंकों की बात की जाए तो पहले राउंड से बढ़त बना ली है जसवीर ने, लेकिन क्या शमशेर वापसी कर पाएंगे देखना होगा। तो दूसरे राउंड की यहां पर शुरुआत हो चुकी है। रेफरी वसीम अहमद ने इशारा कर दिया दूसरे राउंड की तरफ और यहां पर एक बार फिर जसवीर और शमशेर एक दूसरे के पंचेस को परखते हुए छकाते हुए जसवीर थकाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर थकाने की कोशिश कर रहे हैं जसवीर के पंचेस से बचने की कोशिश में शमशेर थोड़ा सा पीछे हटते हुए। यहां पर एक बार फिर से रेफरी ने दोनों खिलाड़ियों को यहां पर सचेत किया और फिर से शुरुआत। सही पंच आपको एक अंक दिलाएगा। और यहां पर संतोष हमारे बीच तकनीकी जानकारियों के लेकर हाजिर है। संतोष, शानदार मुकाबला दोनों खिलाड़ियों के बीच लोके का ये मुकाबला है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जसवीर के पास अनुभव काफी है, शमशेर के पास शायद उतना अनुभव नहीं है, लेकिन शमशेर क्या आपको लगता है पूरी चुनौती दे रहे हैं? बहुत ही सही आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो स्ट्रेट पंचेस और किक का सही टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दो अंकों की बढ़त ली है यहाँ पे शमशेर ने, जसवीर ने, जो कि दिल्ली के खिलाड़ी ब्लू कॉर्नर में। और रविंद्र, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जसवीर जो है वो बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, कोरिया में इंडोर एशियन गेम में उन्होंने पदक लिया है और दो बार ये लो किक में -75 kg में भारत के चैंपियन रह चुके हैं और दो एशियन गेम्स में भी इन्होंने भारत के लिए इसके पहले पदक हासिल किया है। और उनके मुकाबले में बिल्कुल नए हैं पंजाब के शमशेर, जो कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में उन्होंने सिल्वर मेडल इसके पहले हासिल किया है और इस जूनियर एमेच्योर किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने आज स्वर्ण पदक हासिल किया है। और यहाँ पे ये फाइनल का मुकाबला बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी के साथ में यहाँ पे खेल रहे हैं। ये होल्ड किया यहाँ पर जसवीर की किक को शमशेर ने, तो इसको क्या लगता है कि एक वार्निंग भी दी जाती है कि आप क्या होल्ड कर सकते हैं किक को या नहीं कर सकते हैं? अगर आप होल्ड करते हैं तो उसका नुकसान होता है एक खिलाड़ी को या अंक काटे जाते हैं? यस रविंद्र, यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि लो किक इवेंट के अंदर अपोनेंट का आप किक या हाथ या पैर बॉडी का कोई पार्ट आप होल्ड नहीं कर सकते। ये बहुत ही अच्छा स्विप किक का इस्तेमाल किया है, लो किक का इस्तेमाल किया है और अनबैलेंस किया है अपोनेंट खिलाड़ी को। और ये बहुत ही सही टेक्निक का इस्तेमाल जसवीर ने यहाँ पे किया है, उनका पावर और सही टेक्निक आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर एक बार उन्होंने होल्ड किया है शमशेर ने और रेफरी उनको यहाँ पे एक वर्बल वार्निंग दिया है, ऑफिशियल वार्निंग यहाँ पर वार्निंग दी गई है शमशेर को। और जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, अपने आप में ये काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी के साथ जब आप मुकाबला करते हैं तो निश्चित रूप से दूसरे राउंड तक पहुंचना ही एक चुनौती होती है। शमशेर जिस तरह के प्रयास कर रहे हैं जसवीर के साथ, मुझे लगता है कि अभी उन्हें अनुभव की जरूरत है, लेकिन पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि शमशेर जो है जसवीर का मुकाबला कर पाए। दोनों खिलाड़ी एक बार फिर से तैयार है। जसवीर चाहेंगे कि ये मुकाबला ज़्यादा आगे ना खींचें, लेकिन शमशेर चाहेंगे कि ये मुकाबला आगे खींचे और किस तरह की आगे चुनौती देते हैं, किस तरह से सामना कर पाते हैं यहाँ पर देखना होगा। लेकिन जसवीर पूरी कोशिश करते हुए कि शमशेर को कहीं ना कहीं से यहाँ पर कमज़ोर किया जाए, लेकिन जिस तरह से शमशेर अभी भी मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं उससे उनको उनके कोच ज़रूर शाबाशी देना चाहेंगे कि जसवीर का जिस तरह से मुकाबला कर रहा है। और ये जसवीर यहाँ पर थोड़ा लड़खड़ा है। सबसे खास बात ये भी है कि 5 राउंड तक आपको अपने स्टैमिना को बरकरार रखना होता है और साथ ही सही प्रहार अपने खिलाड़ी के ऊपर आपको करना होता है और उन्हीं प्रहारों से बचने की कोशिश शमशेर लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। शमशेर की कोशिश यही है कि लगातार जसवीर के पंचों से बचा जाए, उनके किक से बचा जाए। एक बार फिर होल्ड किया जसवीर की किक को और यहाँ पर रेफरी की तरफ से अलग किया गया और दोबारा से ये शुरुआत। शानदार किक और ये पंच, और ये सही पंच लगा यहाँ पर शमशेर ने, जसवीर को पंच यहाँ पर किया है और एक इसका फायदा जरूर यहाँ पर शमशेर को मिलेगा। सीधे किक का इस्तेमाल जसवीर के द्वारा शमशेर की तरफ, मुकाबले में लगातार बने हुए हैं शमशेर, जसवीर का पूरी तरह से सामना कर रहे हैं हालांकि थोड़ा सा। और शानदार मुजाहरा पेश किया जसवीर ने यहाँ पर, दूसरी बार जमीन पर गिरे हैं शमशेर और हर कोई इस वक्त चाहता है कि मुकाबला
किस तरह से समाप्त होगा जसवीर, किस तरह से मुकाबला। और ये सही किक का इस्तेमाल, जसवीर ने बचने की कोशिश की पूरी तरह से मुकाबले में, इंटर स्कूल चैंपियनशिप में शिरकत की। जसवीर ने उतना अनुभव नहीं है इनके पास जितना जसवीर के पास अनुभव है। समझाते हुए नियमों को कोच वसीम अहमद जो कि रेफरी है सेंटर रेफरी। और ये तीसरे राउंड की यहां पर समाप्ति हुई है पूरी तरह से शमशेर मुकाबला करते हुए। चौथा राउंड जो है शुरू होने जा रहा है। तो शमशेर पंजाब की तरफ से रेड कॉर्नर से खेल रहे हैं और जसवीर दिल्ली की तरफ से ब्लू कॉर्नर की तरफ से खेल रहे हैं। तो मुकाबला एक बार फिर चौथे राउंड और एक बार फिर शुरू हुआ यह मुकाबला दोनों खिलाड़ियों के बीच में। फाइनल मुकाबला चल रहा है लो किक का प्रो फाइट में और जसवीर हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि शमशेर किसी तरह से थक जाए लेकिन शमशेर लगातार अपने स्टैमिना को बरकरार रखे हुए हैं। जसवीर को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं और जसवीर ने किक का इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन वहां पर बचाव किया शमशेर ने। जसवीर पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर कमजोर अगर पड़ते हैं शमशेर वहां पर उन्हें किसी तरह से गिराया जाए। मुझे लगता है कि वो किक के इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक बार फिर उनको जमीन पर गिराना चाहते हैं और अगर इस बार गिरते हैं शमशेर तो निश्चित रूप से उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। फिलहाल शानदार तरीके से मुकाबला करते हुए जसवीर का चुनौती को स्वीकार करते हुए चौथे राउंड का यह मुकाबला चल रहा है। आपको बता दें लो किक मुकाबला है प्रोफाइट का। जसवीर को कोई मौका देना नहीं चाहिए। शानदार पंच यहां पर मारा है जसवीर के, इसका फायदा जरूर यहां पर शमशेर को होगा। जसवीर के हर पंच का बचाव करते जा रहे हैं यहां पर, जसवीर के हर पंच का बचाव करते हुए और यहां पर दोनों लोग के का इस्तेमाल करते हुए। संतोष हमारे बीच एक बार फिर आ गए हैं तकनीकी जानकारी देने के लिए। संतोष शानदार मुकाबला देखने को कह सकते हैं कि एक खिलाड़ी जो कि उतना मैच्योर नहीं है और एक राष्ट्रीय खिलाड़ी का जो कि 3 बार गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुका है उससे मुकाबला कर रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस मुकाबले को? ये जो यहाँ पे मुकाबला है बहुत ही टफ मुकाबला यहाँ पे हो रहा है। रविंद्र जो शमशेर पंजाब के खिलाड़ी है बहुत ही अनोखे और अनुभव से कम खिलाड़ी और उनके साथ टफ फाइट दे रहे हैं जसवीर जो कि दिल्ली के खिलाड़ी है। टेक्निक का सही इस्तेमाल करते हुए ये ग्रोइंग पे किक यहाँ पे लगा है और रेफरी उनको ग्रोइंग में नी मारने के उनको पहला ऑफिशियल वार्निंग मिला है रेड कॉर्नर के खिलाड़ी पंजाब के शमशेर। इस लो किक इवेंट में नी फोर्स यानी घुटने से अटैक करना अलाउड नहीं है, वो घुटने से अलाउड अटैक करना K1 ये जो किक बॉक्सिंग का इवेंट होता है उसमें अलाउड होता है रविंद्र। और यहाँ पे ये वाको इंडिया प्रो किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का मुकाबला लो किक इस इवेंट में चल रहा है और बहुत सही किक लो किक लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है शमशेर। ये और ये चौथे राउंड का मुकाबला समाप्त हुआ शमशेर कुछ हावी होते हुए यहाँ पर, हालांकि जसवीर को कुछ चोटें यहाँ पर आई हैं इसके लिए शमशेर को वार्निंग भी दी गई। तो ये 5वें दौर का मुकाबला यहाँ पर शुरू हुआ और ये आखिरी राउंड है। देखना ये है कि कौन किस पर भारी पड़ता है। जसवीर पूरी तरह से हावी होने की कोशिश करते हुए और जसवीर यहाँ पर थोड़ा सा चूकते हुए। संतोष क्या कहना चाहेंगे इस मुकाबले को? ये 5वां और आखिरी राउंड फिर से एक बार मुझे तो लग रहा है कि दिल्ली का परचम लहराएगा क्योंकि अंक तालिका में कुछ आगे बढ़ रहे हैं शमशेर जसवीर दिल्ली के खिलाड़ी और शमशेर को यहाँ पे पहले ही उनका एक अंक यहाँ पे कट चुका है जो उन्होंने ग्रोइंग में अटैक किया था। बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी जसवीर, देखते हैं आखिरी कुछ सेकेंड्स इस फाइट को खत्म होने में। दोनों भी खिलाड़ी पसीने से लथपथ और सही टेक्निक और सूझबूझ का यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए दोनों भी खिलाड़ी। ये पहला वर्बल वार्निंग मिला है ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी को जसवीर को
और एक बार फिर मुकाबला यहां पर शुरू हो चुका है और जसवीर ने एक यहां पर शानदार किक मारी, शानदार किक मारी है। देखना यह कि फायदा कितना मिल पाता है इसका जसवीर को, लेकर ये एंड तक ये मुकाबला पहुंचेगा क्योंकि पांचवा राउंड चल रहा है और यहां पर ये फैसला होना सुनिश्चित है। हालांकि अंक में कौन बढ़त बनाए हुए है ये भी देखना होगा। तो ये इस मुकाबले का रोमांच कुछ देर का बाकी है और कुछ ही देर में ये राउंड समाप्त होने वाला है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर फायदा मिला है कितना, दोनों ही खिलाड़ियों को यहाँ पर वार्निंग मिली। और फाइनल मुकाबले का यही रोमांच होता है कि आप आखिर तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कौन विजेता खिलाड़ी है। और पूरी तरह से कोशिश यहाँ पर करते हुए जसवीर मुकाबला, जसवीर और शमशेर के बीच ये मुकाबला चल रहा है। आपको बता दें कि प्रोफाइट में लोकिक का ये मुकाबला है, रेड और ब्लू कॉर्नर से, रेड कॉर्नर से शमशेर पंजाब की तरफ से फाइट कर रहे हैं और इसी के साथ ब्लू कॉर्नर से जसवीर दिल्ली की तरफ से ये फाइट कर रहे हैं। और ये पांचवें राउंड की समाप्ति, पांचवें राउंड की यहां पर समाप्ति हुई है और अब इस बात का इंतजार कि कौन खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर विजेता घोषित होगा। और वाको इंडिया का ये शानदार आगाज, वाको इंडिया फेडरेशन कप एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का ये मुकाबला आप लगातार देख रहे थे और जसवीर विजेता घोषित। यहाँ पर जसवीर को ये बेल्ट मिली है वाको इंडिया फेडरेशन कप एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की, जहां तक बात ये प्रतियोगिता थी जिसमें वाको इंडिया चैंपियनशिप की, फेडरेशन कप की अगर बात की जाए तो शानदार तरीके से यहाँ पर जीत हासिल की जसवीर ने। और ये बेल्ट वाको इंडिया प्रो मुकाबले की जसवीर को पहनाई गई, अद्भुत लम्हा, इस लम्हे का इंतजार हर एक खिलाड़ी करता है और यही एक अनुभवी खिलाड़ी की पहचान होती है कि आखिर तक उसे उस मुकाबले में बने रहना है। और राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप का आपने देखा फाइनल मुकाबला, यहां पर प्रो फाइटिंग में लोकिक का ये मुकाबला था, शानदार तरीके से जसवीर ने जीता है और जसवीर काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं। हम जसवीर से जानते हैं किस तरह की इस वक्त उन्हें खुशी महसूस हो रही है। जसवीर बहुत बहुत बधाई आपको इस फाइनल मुकाबले को जीतने। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। पिछला मुकाबला आपने नॉकआउट में बाहर कर दिया था, इस खिलाड़ी से आपको कितनी चुनौती मिली और क्या कहना चाहेंगे इस जीत पर आप? सर शमशेर जूनियर है मेरे से और काफी अच्छा खेला, जिस हिसाब से उसने मैच को तोड़ाया आई रियली अप्रिशिएटिव और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जो मेरी मेहनत करवाते हैं और मुझे हर तरह से सपोर्ट करते हैं फाइनेंशली माइंडली हर प्रकार से। इस तरह की तैयारी रहती है, राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने मेडल प्राप्त किए हैं, गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, हालांकि शमशेर के पास उतना अनुभव नहीं था जितना अनुभव आपके पास था, लेकिन पूरी चुनौती दी शमशेर ने आपको। यस सर बिल्कुल, और यू आर राइट, बहुत चुनौती दी और बहुत ही टफ मुकाबला रहा। प्रैक्टिस का सर ऐसा है सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस होती है, दो दो तीन तीन घंटा सर हमारे साथ खुद मेहनत करते हैं और सीरियसली बहुत मेहनत करवाते हैं हमारी। किसको क्रेडिट देना चाहेंगे और आगे भविष्य में कहां पर उम्मीदें हैं आपके टिकी? सर फिलहाल तो एशियन इंडोर गेम्स हैं 2017 में तुर्कमेनिस्तान में, वहीं का गोल्ड मेडल का टारगेट है। पिछले साल कुछ कारणों के बस प्रैक्टिस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा घर फैमिली प्रॉब्लम था, प्रैक्टिस नहीं हो पाई, मेडल नहीं ला पाया देश के लिए, लेकिन इस बार इंडोर गेम्स में इंडिया के लिए गोल्ड लाऊंगा और सर से प्रॉमिस करता हूँ पक्का गोल्ड लेकर। कितने घंटे की मेहनत इन दिनों कर रहे हैं आप? सर कम से कम एक टाइम तीन घंटे की, दोनों टाइम करता हूँ। ये तो जसवीर, हमारे साथ शमशेर भी इस वक्त मौजूद हैं पंजाब से, हालांकि पूरी तरह से पांचवें राउंड तक इस मुकाबले को लेकर गए। शमशेर फिलहाल तो यही कहेंगे कि बहुत बहुत बधाई हो आपको, चूँकि जसवीर जिस तरह के अनुभवी खिलाड़ी हैं आपने पूरी तरह से मुकाबला किया, क्या कहना चाहेंगे आप जसवीर के लिए? सर बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उम्मीद नहीं थी कि इनका टक्कर दे पाऊँगा मैं, पर टक्कर दे दी यही बहुत बड़ी बात है। आगे आप क्या उम्मीद करते हैं, कितना अभी और मेहनत करनी है आपको? अभी सर बहुत मेहनत की ज़रूरत है, फिलहाल तो बस कहना चाहूँगा कि मेहनत ही सब कुछ है और इंडिया के लिए मेडल लाना चाहता हूँ, सुबह यही है सपना है दिन रात सोने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शमशेर। थैंक यू जसवीर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों खिलाड़ी जो है बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए नज़र आए और दोनों की नज़र जो है आने वाले समय में जो एशियन गेम्स होने हैं उसमें टिकी हुई है, कितना उम्मीद पर खड़े उतरेंगे ये देखना है, लेकिन मेहनत दोनों खिलाड़ियों की। पंजाब गोल्ड मेडल, 8 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल, गिव द बिग हैंड्स टू पंजाब स्टेट, थर्ड लेवल टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी, 8 गोल्ड, 3 सिल्वर,
और 6 ब्रॉन्ज मेडल लेके थर्ड प्लेस पे है पंजाब स्टेट। सभी मान्यवर अतिथिगण, हमारे खिलाड़ियों का यहां पे हौसला अफजाई करें। गिविंग बिगिंस टू पंजाब टीम, 8 gold, 3 silver and 6 bronze medals in Waco India Junior National Kickboxing Championship 2016. Third place team winner. Waco India Junior National Kickboxing Championship second place goes to Haryana. 24 points, 8 gold medal, 5 silver medal and 1 bronze medal. Congratulations, Haryana team. Waco Haryana. अतिथिगण से मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे महाराष्ट्र के टीम के कोचेस और ऑफिशियल्स को यहां पे चैंपियनशिप ट्रॉफी देके सम्मानित करें। सभी चीफ गेस्ट से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस दिल्ली टीम को चैंपियनशिप का खिताब देते हुए उनका सम्मान करें। तेलंगाना स्टेट के सभी ऑफिशियल्स, कोचेस, जजेस और प्लेयर्स का मैं वाको इंडिया की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। 20 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज, टोटल 57 पॉइंट्स। वाको इंडिया की तरफ से मैं टीम का यहां पे अभिनंदन करना चाहूंगा। फर्स्ट प्लेस पे है महाराष्ट्र टीम, टोटल 30 अंक अर्जित करते हुए छत्तीसगढ़ तृतीय क्रमांक पर यहां पे उन्होंने चैंपियनशिप हासिल की है। वाको इंडिया की तरफ से मैं छत्तीसगढ़ टीम का यहां पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशन हरियाणा टीम। वाको इंडिया की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू हरियाणा टीम। 18 सिल्वर मेडल, 20 ब्रॉन्ज मेडल, फर्स्ट प्लेस, टोटल 45 पॉइंट्स, फेडरेशन कप सीनियर, वाको महाराष्ट्र। वाको इंडिया की तरफ से मैं सभी टीम मेंबर्स का, प्लेयर्स, खिलाड़ी और ऑफिशियल्स का यहां पे सम्मान करना चाहूंगा। वाको इंडिया ने इस फेडरेशन कप वाको इंडिया इस नाम से शुरू किया और इस नाम का ये पहला साल, मैंने इसलिए रोका बीच में ही, और इसका सम्मान, इसको आयोजित करने का सम्मान दिल्ली किकबॉक्सिंग एसोसिएशन। तो वाको इंडिया फेडरेशन कप और राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन समारोह देखिए, जोश खरोश के साथ सभी खिलाड़ी यहां पर मौजूद है, हौसला अफजाई हो रही है और मेडल्स की घोषणा हो रही है। यही तो खूबसूरती है इस खेल की, जो यहां पर मौजूद है दोगुनी ताकत के साथ इसकी ऊर्जा खत्म नहीं हो रही है और वो चाहता है कि अभी और ये रोमांच देखने को मिले। डीडी स्पोर्ट्स में लगातार ये रोमांच बना हुआ है और ये समापन समारोह है। यहां पर आपको बताना चाहेंगे महाराष्ट्र ने जिस तरह से एक के बाद एक मेडल हासिल किए हैं,
हाँ, इस बार का जो फेडरेशन कहता है वो महाराष्ट्र के नाम रहा, यानी कि सबसे टॉप पर रही महाराष्ट्र और उसके बाद पंजाब और हरियाणा की बारी आती है, यानी कि पूरी तरह से रोमांच यहाँ पर देखने को मिला और जोशो खरोश से लबरेज खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद रहे। तो ये थे राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता के संपादित अंश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविटीज को देखने के लिए और उसके अपडेट्स जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। साथ ही अगर अपने सुझाव आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया का आईडी है www.facebook.com/doordarshansports। यही नहीं, आप हमसे ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है twitter@DDSportsChannel। आप हमसे YouTube के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा लॉगिन है youtube.com/doordarshansports @dd.sports। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। बी स्पोर्टी, नमस्कार।